जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। फिर तेलंगाना का निर्णय भी है और इन तीन राज्यों का निर्णय भी है जो सामने है, तो ये सारी चीजें। और दूसरा, जो गवर्नर साहब की बात आपने भी मैंने की जम्मू कश्मीर की, श्वेता उसमें जी, भी एक मैंने बात होता है दोनों कि जब चीजें पद कही पर ना, बैठे हुए तो बोल दिया होता तो मैंने एक अलग दोनों, तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका हाँ हाँ जाएगा, बिल्कुल लेकिन जो सवाल बिल्कुल आपने बिल्कुल उठाए आंका हैं जाएगा, उनको लेकिन वो जरूर कौन सी प्रेम गाड़ी शुक्ला थी, उस जी, गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी, प्रेम श्वेता जी शुक्ला मैं आपसे जी, पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता देखिए जिस चीज वो गाड़ी का को, मालिक कौन था, जिस आज तक चीज पता चला? को, कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। जी मारुति 800 थी, फीएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो, बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें ये हुई, भ्रमित करना होता है। भ्रमित अरे भाई, करना, देश को देखिए पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं था पता ना, उसके आज तक बाद की कहा गया वरिष्ठतम कि पत्रकार इतना हैं आप, आपको इतनी नहीं इतनी पता। बड़ी इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए, कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, मैं वही कह ये रहा हूं पूछना ना, लाजमी 5 साल है। बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप ये लोग कन्विंस भी भ्रमित तो नहीं करना कर पा रहे होता हैं है जनता को, कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे लगता है कि सवाल है ये, और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का भाई मैं सवाल तो जरूर श्वेता हो जी सकता आपसे है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा कुंठा सवाल तो कहां मैं नजर आपको आ रही है बता रही हूं आपको, ना कि उस मामले में आप जांच उत्तर दे दीजिए हुई, ना, आप राजनीति, आप दे आप दीजिए लोग ना, देश समस्या, कुंठित है। सबसे बड़ा सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप अरे भाई, ढूंढते नहीं बीजेपी है, वाले एनआईए आप जवाब नहीं इधर दे रहा उधर है, अपने 5 साल सवालों के को बाद भी जाया आप करते दे हैं। दीजिए। मैं ये कह रही हूं मैं कि जाया ना नहीं कर रहा, राष्ट्रवाद के नाम अगर पर, आज ना यही तीनों ना राज्य शहीदों के नाम कांग्रेस के पर पास वोट मांगा जा होते सकता है, तो ना आप शहीदों के लोग नाम क्या पर हेडलाइंस राजनीति होनी चलाते, ये चाहिए, पूरा देश जानता है? नहीं, ना शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और ना नहीं शहीदों नहीं के नाम पर शहीदों के नाम पर राजनीति वोट होनी मांगे जाने चाहिए। चाहिए, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए, नहीं, हाँ या ना? मैं उत्तर दे दीजिए, आप ना, दे दीजिए बिल्कुल मुझे आनंद नहीं, जी। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी लेकिन उसके नीतियों के बावजूद नाम देश पर के मांग सकते, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं ने मांग सकते। वोट आप तब मांगकर तक वो क्या वीडियो गलत निकालिए काम जहां पर बोल किया? रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। राजस्थान, राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी देखिए आलोक जी, उनके जब शहीदों के फोटो ये थे वो डिबेट आपके और बैकड्रॉप में मेरे थे, बीच में अव्वल नहीं है, और मैं इस बात बैकड्रॉप को पे कहा कहकर खत्म गया करना चाहती कि हूं कि जब वो पहला पहला जबरदस्ती एक वोट मां जो लोग को दे हाथ रहे में हैं चेक वो उन देकर एक शहीदों के तस्वीर नाम पर खिंचाने दे की दीजिए। कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई, आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर अब अगर मैं आपकी फिर इजाजत कहूंगा हो तो आपके श्वेता जी, राजनीतिक अगर वोट विरोधी आम आपका कांग्रेस जवाब के दे दें किसी या फिर शासक में मीडिया हो गया वर्सेस कांग्रेस होता, का डिबेट आप चाह रहे हैं। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते सवाल पूछ पूछ नहीं के, सर, सर तो मैं लेकिन किसी का नहीं बीजेपी का फोड़ती हूं, था तो एक खैर छोटी सी इस चीज पट्टी को छोड़िए, चलाते फोड़ लेकिन दीजिए, मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो एक छोटी व्यक्ति सी नहीं है पट्टी जो ऐसा चलाइए और करता भूल है। जाइए राष्ट्रभक्तों की सरकार है, हमारे हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट व्यक्ति वोटा नहीं है, आई वो रहा है। इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है, अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और जी ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना राजनीतिक हो नहीं, तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों श्वेता नहीं जी था मैं ये आऊं, टॉपिक, हल्ला बोल, देखिए उस मेरा समय सवाल जिस सीधा मैं, है। श्वेता जी मैं आऊं, जी, प्रेम शुक्ला यहां जी से हमास जवाब ले चलता है हम, 2-2 महीने तक, हमास और इसराइल 2 महीने श्वेता तक जी मैं चलता आऊं, है अब ये शांत हो पूरे जाए तो हिंदुस्तान के मैं, मीडिया में, क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान जब उनको होके उनको आज तक से ही और शिकायत है, मुझे इलेक्शन लगता है गोइंग भाजपा स्टेट्स से नहीं। में बीजेपी नहीं को वही मैं कह फायदा रही हूं, मैं होता। हल्ला बोल के आज का टॉपिक बदल देती हूं, कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं। हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे नहीं हैं नहीं कि मैं तीन लड़ नहीं रहा राज्यों को श्वेता जी, मैं मुख्यमंत्री तो कब बहुत सिंपल मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं जी श्वेता जी, अरे मैंने तो आपको मुझे जवाब लड़ना नहीं दिया है आपसे, आप मेरे, जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, आलोक लेकिन जी देश के सामने अब अगर भ्रमित श्वेता करने के जी, सवाल जी हैं। श्वेता जी, अब इन्होंने 10 मिनट का मैंने जो फुटेज जो खा बात कही लिया, मैंने जस्टिफाई अगर किया आप उनको, अवसर दें तो मैं कुछ जो जिस दिन है से चुनाव खत्म अपनी हुआ है बात 30 तारीख रखूं। के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, हाँ किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा, मैं सीज फायर भी बीच में हो गया था जी, इसलिए चुनाव भी तक था हमास की सब खबरें खत्म हो गई रोज थी दिख रहा था, जी सारे रिपोर्टर वहां हवाई जी जहाज लेके इसराइल पहुंच गए।
नहीं रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा हर चीज पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी की, हर चीज पे आपको आपत्ति है। ये क्यों कवर करते हो, ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों दिया, सस्पेंस क्यों कह रहे हो, हमारे लिए आप सर फुटंगल कहते हो, सब चीज आपत्ति सर आपको हम एडिटोरियल बोर्ड में रख लेंगे, पहले हम जवाब ले लें। जरा प्रेम शुक्ला जी बोलिए जी। श्वेता जी अब मैं इनसे, श्वेता जी मुझे कृपा करके जरा बताइए, आलोक जी बताएंगे अभी, 12 मार्च 1993 को जो आरडीएक्स आया था जिसमें 256 लोग मरे थे, वो आरडीएक्स कहां से आया था, किस कार से आया था, शिप से आया था, प्लेन से आया था, जरा बताइएगा आप जो है कृपा करके बताइएगा। 12 जुलाई 2006 मुंबई की ट्रेनों में 11 जगहों पर बम फटा था, बारूद कहां से आए थे, कैसे आए थे, कृपा करके बताइएगा। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटा था, बारूद कहां से आया था, कैसे आया था, कृपा करके बताइएगा। दिल्ली के हाईकोर्ट में बम फटा था, बारूद कहां से आए थे, कृपा करके बताइएगा। तो जरा चार पांच, तो मैं सिर्फ चार ही पांच पूछ रहा हूं, वैसे मैं बताने बैठूंगा तो 6-7 मिनट जो है लगातार, जिस तरह से आतंकी हमलों में आरडीएक्स और डिटोनेटर आए थे उसके किससे कम, कब जो है समय कम पड़ जाएगा, किससे कम नहीं पड़ेंगे। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 मार्च 1993 को जो डिटोनेटर का यूज किया गया था, उस डिटोनेटर के हेड को जो है इन्होंने जांच के लिए एफबीआई को भेज दिया और लौट कर नहीं आया। उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? कांग्रेस की सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस की सरकार जो है वो डिटोनेटर जो है कहां से बनकर आया था, किस मेक का था, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तक भारत नहीं दे पाई। और 1993 के बम कांड के तमाम अभियुक्त आज भी जो है ट्रायल स्टेज में ही है। कृपा करके बता दीजिए कहां से आरडीएक्स आया था, कैसे आया था, चार्जशीट में आज तक उसका जिक्र नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था, गुजरात के कोस्ट से आया था कि कोकण के कोस्ट से आया था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा बताइएगा मुझे कहां से आया था। मैं उत्तर दे देता हूं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। 93 के बाद 15 साल आपकी सरकार रही, अगर हम नहीं दे पाए थे तो आप दे देते, आप लोगों की एजेंसी तो सरकार आ गई। अरे भाई वही एजेंसी सरकार अब आ गई आज है। अब देखिए देख लीजिए, अब यही इनकी दशा है, हमसे भी पूछा गया, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भागते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही भागते, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, भाग नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कैसे आप भ्रमित करते हो। मैं एक सवाल का भी आपको, एक मैंने लिख लिए सारे सवाल, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए, 15 साल आपकी सरकार रही, क्या 15 साल में भी आपको उत्तर नहीं मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों की शहादत हुई हो बॉम्ब ब्लास्ट से और आरडीएक्स से, और उसके बाद वोट मांगे हो तो जरा एग्जांपल देंगे आप? एक एक एग्जांपल दे दीजिए कि साहब हमारे जवान शहीद हुए इसलिए मुझे वोट दे दो। एक नहीं, अभी तत्काल देता हूं, मतलब शहादत हो गई आपका फेलियर है और उसके बाद मुझे वोट दे दो, तत्काल दे रहा हूं। कपटी सुन लीजिए ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे बड़ा फेलियर क्या होता, और उसके नाम पे वोट मांगा, 4,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया पर, और एक हत्यारे को नहीं पकड़ा, 4,000 सिखों का नरसंहार किया, और क्या हमारा एक भी नेता का नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए हमें वोट दे दो। हत्या पर, इंदिरा गांधी की हत्या पर ही वोट मांगा, इंदिरा गांधी की हत्या पर ही। आप पोस्टर देख लीजिए, सवाल आते हैं तो फिर विचलन होना शुरू हो जाता है कांग्रेस का, इसी को भ्रमित करना कहते हैं, बता रहा हूं मैं, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगा गया। नहीं नहीं देखिए आलू जी, एक चीज पर मैं जरूर आपत्ति करूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट देने, ये बोलना भी गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था, मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी मैं तो बता रहा हूं, राजस्थान स्टेट और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वो कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी, लेकिन मुझे याद है, पूरा देश याद करता है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, इनसे क्या कहना, इनसे क्या बहस करेंगे आप? ऐसे आलोक जी ने तब आपत्ति की थी जब वो थोड़ा सा इतिहास में चले गए थे कि हम कहां पर क्या डिबेट करने आए थे, उस डिबेट की बात। श्वेता जी, जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले
वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालक, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा मैं, दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये 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 कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। नहीं देखिए, भ्रमित करने का दूसरा संदर्भ ये भी होता है कि वहां पर बालाकोट से शुरुआत हो रही है बात की, लेकिन आलोक जी आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में, नाम पर बात सुनिए आपने सबसे पहले आपत्ति कब जताई, जब प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़कर ले गए। आपने क्या किया, जब डिबेट मुख्यमंत्री के चेहरे को हो गया है आप उसको मोड़ के ले जा रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई 14 में 19 में क्या क्या बातें की गई थी, अब 24 की बारी आ गई है। चार की भी बात आई थी जी, वो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड थर्ड, कई बार अपने राज्यों में भी वोट दे चुके होंगे, कैसे किया जाता है, म्युनिसिपैलिटी में भी दे चुके हैं जी। आपने पूछा भ्रमित कैसे किया जाता है, मैंने उसका उत्तर दिया। आपकी पूरी की पूरी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर रही इतनी देर, जब एक घंटे हम डिबेट करते रहे हैं तो आपकी भी बातें रही है, आपकी भी बातें सबके सामने है, और प्रेम शुक्ला की बातें भी सबके सामने है। आप दोनों की बातें सबके सामने, भ्रमित कैसे किया जाता है, अब भ्रमित कैसे किया जाता है, और एक राजनेता जिन राज्यों में इलेक्शन लड़ रहा है वहां पर लोगों को कैसे समझा पाता है? प्रचार का तो आप लोगों को भी उतना ही मौका मिल जाता है ना, तो जब एक साथ आप सब प्रचार करते रहते हैं जमीन पर, तो वहां में तीन राज्यों में से बीजेपी ने इतना पैसा खर्च करता है और इलेक्शन बैठता है 4,000 मांगने वाले, ये तो लाशों पर वोट मांगने वाले लोग हैं, इनको यही समझ में आएगा श्वेता जी, लाशों पर वोट मांगने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, इनसे आप क्या अपेक्षा कर रही हैं? गलत स्टेटमेंट, लाशों पर कांग्रेस ने वोट मांगा, अभी भी आप भावना को भड़काने का इंडिया टुडे आर्काइव्स देख ले, मैं सही कह रहा हूं, आप वोट मांगते हैं शमशान कब्रिस्तान पर, आप वोट मांगते हैं इंदिरा गांधी की लाश पर वोट मांगा गया, इंदिरा गांधी की लाश पर बेशर्मी से वोट मांगा गया, राजीव गांधी ने जो है अच्छा इस इसी ने वोट नहीं मांगा गांधी जी, आप तो प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, इस चीज पर हम न करें, नरबक्षियों की पार्टी जी, डिबेट खत्म करते हुए मुख्यमंत्रियों के चेहरों की तो बात कर सकते हैं ना, प्रेम शुक्ला जी कितने दिनों में मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री सबको, आर्काइव्स देख लीजिए, विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा इसमें, दिन का मतलब इसमें निर्णय विधायकों का है, विधायकों की आजादी है। इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले गिद्ध है कांग्रेसी, मोदी जी ढूंढ रहे हैं कौन कितना ज्यादा डमी होगा, करने की आदत ढूंढ रही है डमी कौन होगा जो हमारे इशारे पर काम करेगा, कांग्रेस का गिद्ध भोज, हम आरोप लगा रहे हैं 2023 के नतीजे आए, डमी ढूंढा जा रहा है, मंत्री आ जाएंगे, लेकिन 2024 का टोन जो है वो सेट हो चुका है, भोज करने वाले इस चर्चा से भी यही सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।